मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उदयपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। उदयपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को धमकी दी गई है। पैसेंजर्स को उतारकर सामान की चेकिंग की जा रही है। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। उदयपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई है। पैसेंजर्स को उतारकर सामान की चेकिंग की जा रही है। उदयपुर में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार यानी कि आज फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इंडिगो संख्या 6E2099 की फ्लाइट आज दोपहर 12:05 पर उदयपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी और इससे कुछ देर पहले ही धमकी मिलने की सूचना पर तुरंत फ्लाइट को रुकवाया गया और पैसेंजर को नीचे उतारा गया। 2 घंटे तक फ्लाइट की चेकिंग की गई। फ्लाइट में करीब 60 पैसेंजर सवार थे। वो धमकी मिलने और चेकिंग के दौरान सहमे रहे। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 चेकिंग के बाद फ्लाइट को रवाना किया गया। एक पैसेंजर ने बताया कि केबिन क्रू ने अनाउंस किया था कि फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। सभी अपने अपने बैग और अन्य सामान छोड़कर दूर चले जाएं। और इसके बाद पैसेंजर डर गए और अपने अपने बैग छोड़कर बताए गए सुरक्षित स्थान पर चले गए। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। थानाधिकारी चेकिंग की डबोक थानाधिकारी चंद्रशेखर किलोनिया ने बताया कि उदयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद रवानगी से पहले फ्लाइट को रोका गया। पूरी तरह से चेकिंग की गई। ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बाद में फ्लाइट को रवाना किया गया। अभिषेक हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अभिषेक, क्या जानकारी है? और लगातार एक के बाद एक कई विमानों को जो धमकी मिली है बॉम्ब से उड़ाने की, और अब उदयपुर में तो ये दूसरी वारदात हुई। मैं आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले जिस तरह से राजस्थान के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, उसके बाद सभी जगह पर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ऐसे में उदयपुर में इंडिगो की फ्लाइट को लगातार दूसरी बार फ्लाइट से बम से उड़ाने की जो है वो धमकी मिली है। तो ये धमकी मिलने के बाद जो पैसेंजर्स हैं वो भी अंदर घबरा गए और उन्हें आनन फानन में उन्हें जो फ्लाइट से उतारा गया। उसके बाद बता रहे हैं कि दोपहर तकरीबन 12 बजे जो फ्लाइट है इंडिगो की वो उड़नी थी, उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होनी थी। तो ऐसे में जैसे ही बम की सूचना मिली, फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी की सूचना मिली, तो 10 मिनट पहले ही पूरी फ्लाइट को खाली करवाया गया। सभी पैसेंजर्स के बैग चेक किए गए और पूरी फ्लाइट को इसमें खंगाला गया है। सिक्योरिटी यहाँ पर हालांकि बढ़ा दी गई है। इस पूरी जांच के दौरान किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु ही नहीं। ऐसे में फिर से तकरीबन 3-3.5 घंटे तक जो है वो फ्लाइट को रोक के रखा, सभी पैसेंजर्स को रोक के रखा, उनकी जाँच की गई, उनके बैग चेक किए गए और उसके बाद जब सब कुछ ठीक मिला तो उसके बाद तकरीबन 3.5 घंटे बाद उस फ्लाइट को उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार ये फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, इसमें कई जिस तरह झूठी खबरें भी सामने आ रही है, झूठी धमकियां भी यहाँ पर मिल रही है। ऐसे में फिर भी जो रेलवे के साथ साथ जो फ्लाइट और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने भी वहां पर सिक्योरिटी पूरी तरह से बढ़ा दी है जी। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए है जी। देखिए, ये सच में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं वहां पर पब्लिक की आवाजाही ज्यादा रहती है, ऐसे में लोगों द्वारा इन्हीं चीजों को टारगेट भी किया जाता है। एक इस वजह से इन जगहों पर मिलने वाली धमकियों को हल्के में लिया नहीं जा सकता, उन्हें गंभीरता से लेना ही होता है क्योंकि ये पब्लिक प्लेसेस हैं। जिस तरह से रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए, एयरपोर्ट हो गए, तो यहाँ पर किसी भी तरह की धमकी मिलने के बाद इन्हें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर होना होता है। और उसके बाद जिस तरह से देखिए आप, लगातार ये दूसरी बार उदयपुर में ये धमकी मिली है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो थानाधिकारी है, उन्होंने भी बताया है कि वहां पर पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों की पूरी तरह से चेकिंग हालांकि की जा रही है और जो ये धमकी जो मिली थी ये भी कहीं ना कहीं झूठी पाई गई। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक।
उदयपुर से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पैसेंजर्स को उतारकर सामान की चेकिंग की गई। अब खबर